हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैकेनिक का माइक्रोस्कोप का कैमरा। ये 51 मेगापिक्सल का कैमरा है जो मैंने अपने माइक्रोस्कोप के लिए खरीदा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप है। मैं जब माइक्रोस्कोप लाया था तो उसके साथ कैमरा नहीं लाया था। तो चलिए देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है और आपको इसको सेटअप कैसे करना है अपने माइक्रोस्कोप पे। तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक HDMI केबल। जो HDMI केबल है इसकी क्वालिटी अच्छी है। और उसके बाद आपको ये USB कनेक्शन मिलेगा कंप्यूटर में कनेक्शन करने के लिए इसके कैमरे को। फिर उसके बाद आपको एक कैमरा मॉड्यूल मिलता है यहाँ पे। ये है इसका कैमरा, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये देख सकते हैं, ये कैमरा है, ये मैकेनिक का कैमरा है। और 1080 पिक्सल की रिकॉर्डिंग होती है 60 फ्रेम पर सेकेंड में। तो इसमें कंट्रोल्स भी हैं, 6 कंट्रोल्स हैं। इसके अलावा इसमें इसके इंटरफेस को कंट्रोल करने के लिए आपको मिलेगा ये रिमोट। तो अभी हम देखेंगे इसमें सेल्स वगैरह कौन से डलते हैं या फिर डले हुए या नहीं है। तो ये दोस्तों, इसमें आपको ये जो चीज़ है, अभी कैसे लगाएंगे हम ये देख लेंगे। आपको इसमें ऐसी एक पन्नी मिलेगी, ये पन्नी आप निकाल लीजिएगा। और इसमें ये जो रिंग लगी हुई है, ये पहले से लगाई हुई है क्योंकि मार्केट से ये कैमरा चेक करा के मिलता है। तो ये रिंग भी आपको इसमें कसना होगा क्योंकि इसी रिंग पर आपका जो माइक्रोस्कोप का कैमरा कसेगा। तो इस कैमरे में देख सकते हैं आप, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं रिकॉर्डिंग अगर करनी है आपको। और उसके बाद यहाँ पर 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट जो है यहाँ पर DC है। यहाँ पर आपका पावर प्लग लगेगा जो अडेप्टर इसके अंदर है। और ये USB कनेक्शन के लिए है कंप्यूटर के लिए। और अगर आप डायरेक्ट डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो HDMI की केबल लगा के आप LCD में लगा सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हमें से सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे इसका। दोस्तों इसको जो है आप इसको टाइट करके इसका यहाँ से पेज खोल के आप इसको घुमा भी सकते हैं। अभी इसकी एलन की मुझे निकालनी पड़ेगी तो मैं आपको बस सेटअप करके दिखा देता हूँ। तो ये इस पर कस चुका है पूरा। तो इसे हम चालू करते हैं। ये इसका अडेप्टर है। ये अडेप्टर देख सकते हैं 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का अडेप्टर है ये। और इसका प्लग ऐसा है, ये आमतौर पर ऐसा प्लग जो है राउटर्स में आता है वाईफाई। तो दोस्तों एक दिक्कत हो गई है हमें ऐसा जो है। तो दोस्तों हमें जो है इसका प्लग मिल चुका है। तो देख सकते हैं ऐसा प्लग आपको खरीदना पड़ेगा या फिर आप इसमें वायर अटैच करके प्लग भी लगा सकते हैं अलग से, अगर 2 पिन प्लग आपके पास है तो। इसमें जो है इंडिकेटर जल चुका है इसका। दोस्तों इस कैमरे के बारे में कुछ और चीज़ें जो आप जान लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि जो अभी हम डिस्प्ले में कनेक्ट कर रहे थे इसको, उसमें जो इनपुट नॉट सपोर्टेड का मैसेज आ रहा था जिसकी वजह से इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इससे पहले मेरे पास जो LCD थी वो 15.6 Acer की LCD थी और उसमें सिर्फ जो है ये जिसमें है जो है 1080 जो है पिक्सल की आउटपुट आता है इसमें, तो उस वाले में इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो 768 यानी 768 पिक्सल वाली LCD थी तो इसलिए उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था।
तो मुझे जो है एक दूसरी LCD लानी पड़ी है सैमसंग की, ये 1080 पिक्सल सपोर्ट करती है। तो इसमें जो सेटिंग्स में मैंने देखा कि इसमें सेटिंग में किसी तरीके का रेजोल्यूशन चेंज करने का, जो वीडियो आउटपुट का रेजोल्यूशन है, वो कोई ऑप्शन मुझे दिखा नहीं। इसकी वजह से मुझे जो है इसमें मॉनिटर दूसरा लेना पड़ा। अगर इसमें कोई तरीका है भी तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया था, कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी दिक्कत आती है तो अपना मॉनिटर चेंज कर लें। मॉनिटर की प्रॉब्लम है, वो डिस्प्ले सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके जो आउटपुट में वीडियो आ रही है रेजोल्यूशन। तो ऐसे अगर आपको दिक्कत क्रिएट होती है तो आप अपना मॉनिटर चेंज कर लीजिए। और जो इसमें मैक्सिमम जो आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 64 GB का है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ इस LCD में। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कैमरे को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये कैमरा बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा 10 दिन बाद ये कैमरा चलना बंद हो गया, वो चालू ही नहीं हो रहा था। अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई आपसे बोलता है कि नहीं ऐसी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो उनसे ये बोलिए कि मुझे गारंटी दे दीजिए 2-3 महीने की। दोस्तों कैमरा बंद होने के बाद जब मैं उन लोगों के पास गया तो इस कैमरे की कोई गारंटी वारंटी मिलती नहीं है मार्केट में, और पूरे जो मेरे 6,500-7,000 रुपये का मैंने ये कैमरा लिया था ये पूरा पानी में चला गया दोस्तों। इसलिए कोई भी कैमरा लीजिए गारंटी वारंटी में लीजिए। मैंने फिर बाबा टूल्स का कैमरा लिया है, उसकी 4 महीने की गारंटी दी है उन लोगों ने। ये देखिए दोस्तों मैकेनिक का लोगो आ चुका है इस पे, और आप ये देख सकते हैं इसके नीचे एक PCB भी रखी हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड की हुई है यही मैकेनिक के RX 510 से की हुई है, और इसकी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। पर दोस्तों आपको ये कैमरा इस वक्त नहीं लेना चाहिए, आपको कोई और मॉडल लेना चाहिए जैसे बाबा टूल्स में मिल रहे हैं, उनमें जो है उनकी गारंटी भी मिल रही है। तो गारंटी वाला कैमरा आपको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कैमरा था ऐसा नहीं था दोस्तों कि मेरा ही ख़राब हुआ था। मैं जब बाबा टूल वालों के पास उनका कैमरा लेने पहुंचा तो वहां पर मैकेनिक का RX 510 2 पीस उनके पास ख़राब पड़े हुए थे। तो इससे पता लगता है कि ये जो चीज़ है इसमें दिक्कत आ रही थी पहले से ही। तो आप सोच समझ के जो है कैमरा लीजिए, और मेरे हिसाब से तो आपको जो गारंटी वारंटी मिल रही है उसी से आपको जो है ये कैमरा लेना चाहिए। अब दोस्तों जो मैंने कैमरा लिया है ये तो ख़राब हो चुका है, और वो ऐसे ही मेरे पास रखा हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन कुछ पता नहीं क्या होगा, बाद में पता लगेगा। जो पर जो भी सॉल्यूशन निकलता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो इसलिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं जो बाबा टूल का कैमरा लाया है उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। रिमोट से आप जो है सेटिंग्स वगैरह सब कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कोई रेजोल्यूशन का जो है मतलब आउटपुट के रेजोल्यूशन को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये देख सकते हैं ये रेजोल्यूशन लिखा है, लेकिन ये जो है आपका कैमरे से कितने रेजोल्यूशन की फ़ोटो खींचेगी वो लिखा हुआ है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो उसके बाद जो है मिरर इमेज है, डेट स्टैम्प है, डेट टाइम है, मॉनिटर है, और मॉनिटर में भी आप देखेंगे तो रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और बैक जो है इसी से होता है, और ओके इस चीज़ से होता है, ध्यान रखिएगा। अप डाउन, और किसी भी चीज़ को अप्लाई करना है आपको सेटिंग को तो इस वाले बटन से अप्लाई होगा। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, एज, ये सब आप सेलेक्ट करके आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो क्लियरिटी ऐसी अच्छी आ रही है, और अगर आपको फोकस करना हो तो ये वाला भी घुमा के आप फोकस कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैं घुमा रहा हूँ तो फोकस हो रहा है, ये कैमरे के लिए है फोकस करने के लिए। और आप इससे भी फोकस कर सकते हैं, और अगर इससे और इससे फोकस नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप इससे फोकस कर लीजिए,
उसके बाद इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके दिमाग में कोई है सवाल तो पूछ सकते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।